मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं नरेंद्र को। टुडे इज़ डे 4 ऑफ आवर राइड और आज हम चल दिए हैं अभी जैसलमेर से पुष्कर के लिए। लेकिन निकलने से पहले हम जैसलमेर की फेमस गडीसर लेक को देखना चाहते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गए हैं और कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। हमें आज ही पुष्कर पहुँचना है, जो कि यहाँ से करीब करीब 500 किलोमीटर्स के अराउंड है। लेक के पास एक छोटी सी फुटपाथ मार्केट है जिसमें काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। और अब हम चल दिए हैं, लेकिन निकलने से पहले अभी एक काम और बचा हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो है ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। और मैं और विपिन सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे, करीब करीब 5 o'clock, क्योंकि हमें सनराइज़ यहाँ पर देखना था जैसलमेर फोर्ट से। और अभी टाइम हो गया है करीब करीब 10 o'clock। तो पहले ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रुकेंगे कहीं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। जैसलमेर में हमें रूम काफ़ी अच्छा मिला कल, जो कि बहुत ही सस्ते रेट में हमें मिल गया और रूम भी काफ़ी अच्छा था। जैसलमेर एक बहुत अच्छी सिटी है, घूमने के मतलब से बहुत अच्छी है। स्पेशली सर्दियों में यहाँ पर आ सकते हैं, गर्मियों में तो आप तंदूरी चिकन बन जाएंगे यहाँ पर। और एक यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सभी जितने भी घर हैं सभी सैंड स्टोन से बने हुए हैं, और आपको उसके अलावा कोई दूसरा डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। सभी घरों में सैंड स्टोन्स यूज़ होता है, बाहर पेंट वगैरह और वाइट वॉश ये लोग अंदर ही यूज़ करते होंगे, बाहर तो नहीं होता है बाकी। और इसके अलावा जो है खाने का ऑप्शंस यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है हम जैसे दिल्ली वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल खाना मिल जाएगा आपको। बाकी जैसा स्पाइसी हम लोगों की डिमांड होती है वैसा उस तरह का खाना यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। होटल्स की भी रेंज बहुत कम है, रोड साइड जो होटल है वो बहुत ही कम मिलेंगे। भैया चॉकलेट क्या रेट का हो? क्या रेट का? 4500 10,000 में। मुझसे पूछा कि दिल्ली में ये जॉकेट क्या रेट का है, तो मैंने उसको ऐसे ही 10,000 बोल दिया चलते चलते। तो वो यही पूछ रहा था कि गिरेगा तो लगेगा तो नहीं, तो भाई डिपेंड करता है कि गिर कैसे रहे हो और कहाँ लग रहा है। ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं ये विंड टर्बाइंस हैं, जो कि जैसलमेर सिटी के जस्ट आउटसाइड हैं, 3 या 4 किलोमीटर दूर। और जैसलमेर फोर्ट से और सिटी से आप इसको क्लियर देख सकते हैं। सर्दियों में मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा रहता है, अभी गर्मी बिल्कुल नहीं है और सर्दी भी बिल्कुल नहीं है। जैसलमेर से जस्ट 20 या 30 किलोमीटर पहले रोड्स का काम चल रहा है, जो कि अभी उसको रोड को चौड़ा कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, और जो बन चुके हैं वो बहुत ही शानदार रोड बने हैं अभी। तो यहाँ पर राइड का अपना ही मज़ा है। अभी मैक्सिमम जगह यहाँ पर रोड बनाने का काम चल रहा है, लेकिन रोड खाली होने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि बहुत फास्ट आप राइड करें, क्योंकि यहाँ पर कैमल्स एंड कैटल्स कभी भी आ सकते हैं रोड के बीच में। आदमियों का यहाँ पर ख़तरा नहीं है इतना ज़्यादा जितना कैटल से है, जैसे कि अभी ये कैमल बीच में रोड में आ गया था और अचानक फिर वापस मुड़ गया। अभी करीब करीब 30 किलोमीटर और हमें ऐसे ही रोड का सामना करना पड़ेगा। जैसलमेर से निकलने के बाद जो सेकंड मेजर सिटी आती है वो है पोखरण, जहाँ पर इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो वो यहाँ से करीब करीब 50 और 60 किलोमीटर्स के अराउंड है, नॉट श्योर बट आइडिया है मेरा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जोधपुर बाईपास पर। यहाँ से जो लेफ़्ट टर्न के लिए जो रूट जा रहा है वो है जोधपुर सिटी के लिए, बट हमें सीधा पुष्कर निकलना है तो हम अभी बाईपास लेंगे। ये रूट सारा सिंगल लेन है। यहाँ से एक छोटा सा एक टाउन आता है बर, वहाँ तक ये पूरा रोड सिंगल लेन है और करीब 110 किलोमीटर का पूरा ये डिस्टेंस है, जो कि सिंगल लेन का भी रोड बन रहा है। पहले इन गाय को निकल जाते हैं। वैसे मैं यहाँ से पहले भी इजीली निकल सकता था बट मैंने जानबूझ के इंजन स्टॉप कर दिया क्योंकि देखने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा था। हेलो हेलो, बगल वाली वैन से मुझे सब चिल्ला रहे हैं हेलो हेलो। ये लास्ट पैच है जो अभी खराब आएगा, उसके बाद रोड कुछ ठीक आने की उम्मीद है। बन रहा है अब हम पहुंचने वाले हैं बर, जो कि जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया था, जो कि इसके बाद यहाँ से मुंबई हाईवे स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग उसमें कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आता है फिर ब्यावर और उसके बाद नेक्स्ट अजमेर और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे। करीब करीब 2 घंटे अभी हमें लग जाएंगे और तो लेट्स राइड। ओके गाइस, तो अभी हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे पर एंटर कर चुके हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट सिटी आएगी वो है ब्यावर और उसके बाद अजमेर और पुष्कर। तो पूरे दिन से जो हमने खाना नहीं खाया था अभी उसकी हमने पूर्ति की है, और वो भी 2 कचौड़ियाँ खाकर। तो यहाँ पर कुछ ख़ास हमें खाने को हैवी मील मिला नहीं। तो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पुष्कर, और इसके बाद हम कल मिलते हैं आपको। गुड बाय, टेक केयर।